बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे ज्वारी की रोटी। आटा लिया हुआ है और उसमें हम पानी डालेंगे, उसके बाद अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। ठंडा ठंडा पानी यूज़ करें, उसमें अच्छा गूंद लें। आटा जब तक मुलायम ना हो तब तक वैसे ही उसको गूंद लें। ज्वारी की रोटी खाना हेल्दी। ठीक तरह से गूंद लें। अब हमने आटा गूंद लिया है, अब हम ज्वारी की रोटी बनाएंगे। देखिए आटा किस तरह अच्छा गूंदा है। अब बनाएंगे रोटी। थोड़ा सूखा आटा नीचे डालकर ऊपर से प्रेसिंग करेंगे। ठीक तरह से थपक कर अच्छा आटा लगाएंगे। हमारे चैनल पर नए रहे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट कीजिए। स्मार्ट अबूज़र कुकिंग चैनल मक्थल। उसके बाद हम रोटी तवे पे डालेंगे। ठीक तरह से निकालना चाहिए। जो नए हैं रोटी को रोटी लगाकर डालने से ठीक तरह से आती है, वो टूटती नहीं। उसके बाद हम पानी लेकर उसके ऊपर लगाएंगे ताकि रोटी का शेप अच्छा है। दे रही है रोटी अच्छी आई है माशाल्लाह। उसको थोड़ा जलने देंगे। ठीक तरह से जले बाद उसको पलटाएंगे। चार तरफ आंच ठीक तरह से लगना चाहिए। बाजुओं में गोल। ये रही हमारी रोटी तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह रोटी तैयार हो चुकी है। देखिए किस तरह का उसके ऊपर डिज़ाइन आया है। जली हुई रोटी। ज्वारी की रोटी बनाना बहुत आसान है। सीखे वालों को, जो नहीं सीखे हैं इसको देखकर सीख लें ताकि रोटी बनाकर खाने में आसान हो। रोटी तो तैयार हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये रही रोटी कितनी मुलायम है। देखिए प्रेस करने से भी कुछ भी नहीं हो रहा इसको।
लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए स्मार्ट अप उजर कुकिंग चैनल। अस्सलाम वालेकुम।